नमस्ते, लेडी फ्रेश सैनिटरी नैपकिन के प्रोडक्ट डेमो वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो बनाने के दो मुख्य उद्देश्य हैं। संपूर्ण स्वदेशी तकनीक से बनाए गए लेडी फ्रेश सैनिटरी नैपकिन का डेमो तो हम आपको देना चाहते ही हैं, और अन्य विदेशी नैपकिन जो काफ़ी प्रचलित हैं मगर हल्के दर्जे के हैं, जिनके इस्तेमाल से हमारी सखियाँ अपने स्वास्थ्य को हानि पहुँचा रही हैं, इनका इस्तेमाल ना करें, ये जन जागृति करनी। किए गए सर्वे के अनुसार हमने देखा कि हमारे देश की अधिकतर महिलाएं पैड खरीदते वक्त बिना कुछ सोचे समझे ही पैड खरीदती हैं, क्योंकि वो ये सोचती हैं कि अगर महंगा है तो बेहतर है। मगर ये निष्कर्ष हर बार सही हो ये ज़रूरी नहीं। इन्हीं सब बातों पर हमने गौर किया और हमने देखा कि अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके विदेशी नैपकिन से बेटर क्वालिटी का और उससे भी सस्ता नैपकिन बनाया जा सकता है, और हमने बनाया लेडी फ्रेश सैनिटरी नैपकिन। आइए तो फिर हम आज का डेमो शुरू करते हैं। ये है विदेशी सैनिटरी नैपकिन जो कि काफ़ी हल्के दर्जे का होता है, और ये अभी हमें इस डेमो में पता चल ही जाएगा, तो देखते हैं। ये मैंने एक सिरिंज में 60 ml लिक्विड ले लिया है और अब मैं इसे इस सैनिटरी नैपकिन पर डालने जा रही हूँ। आइए देखते हैं सहेलियों कि इसकी सोकिंग कैपेसिटी हकीकत में कितनी है। तो ये मैंने इस सैनिटरी नैपकिन पर ये 60 ml लिक्विड डाल दिया है। इसे मैं अच्छी तरीके से स्प्रेड करके डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से हर तरफ फैल जाए और अच्छे तरह से सोक भी हो जाए। ये टोटल 60 ml लिक्विड है जो कि मैंने इस विदेशी दर्जे के सैनिटरी नैपकिन पर डाला है। आइए देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स का असर हम पर कितना हुआ है और हकीकत में इस पैड की एक्चुअल सोकिंग कैपेसिटी कितनी है। इस सोकिंग कैपेसिटी को चेक करने के लिए अगला स्टेप ये होगा कि मैं एक टिश्यू पेपर लूंगी और मैं उस टिश्यू पेपर से देखूंगी कि वो टिश्यू पेपर कितना गीला हो रहा है और कितना इस पैड ने लिक्विड को सोकअप किया है। ये देखिए सहेलियों, हम और एक बार ट्राई करते हैं। ये देखिए, हम एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर जो सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं उसका रिजल्ट, और अब हम देखेंगे स्वदेशी सैनिटरी नैपकिन लेडी फ्रेश इसका रिजल्ट। इसके लिए भी मैंने 60 ml लिक्विड ले लिया है उसी सिरिंज में, और मैं उसी तरीके से इस लिक्विड को लेडी फ्रेश पर भी स्प्रेड करूंगी। उसी तरह से अच्छी तरह से फैलाते हुए हर कॉर्नर की तरफ, और हम देखेंगे कि ये कितनी जल्दी सोक अप कर लेगा। वैसे तो अभी भी जब मैं ये लिक्विड डाल रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि कोई भी रिमेन्स उस लिक्विड के कहीं पर भी कोई ड्रॉप नजर तक नहीं आ रहा है। खैर, टेस्ट खत्म होने के बाद हम टिश्यू पेपर टेस्ट तो करने वाले हैं ही, मगर ये देखिए ये लिक्विड कितनी अच्छी तरीके से फैल रहा है और ऊपर एक बूंद तक नहीं रह रही है उसके। अब हम दूसरा टिश्यू पेपर लेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे कि एक्चुअली कितना सोक हुआ है और कितना लिक्विड का लेयर ऊपर है, कितना विजिबल है ये टिश्यू पेपर और ये रिजल्ट। देखिए, हम और एक बार ट्राई करते हैं जिस तरह से हमने दूसरे पर किया था, बिल्कुल साफ। तो ये फर्क है सहेलियों स्वदेशी सैनिटरी नैपकिन में और विदेशी सैनिटरी नैपकिन में। पूरा आपका सारा का सारा लिक्विड टिश्यू पेपर पे एक मिनट में सारा का सारा ट्रांसफर हो गया था, और ये जो हमारा लेडी फ्रेश है इसका और एक स्पेशलिटी मैं आपको बताती हूँ। इसे हम कट करके देखेंगे कि लिक्विड एक्चुअली अंदर सोक हुआ है या क्या हुआ है उसका, क्योंकि अगर इतनी जल्दी लिक्विड ड्राई हो गया तो एग्जैक्टली हुआ क्या उस लिक्विड के साथ। तो इसे हम कट करके देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस लिक्विड के साथ, क्योंकि हमारी हाइजीन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस सैनिटरी नैपकिन को मैं कट कर रही हूँ, देखिए कोई लीकेज भी नहीं है, और ये देखिए सारा का सारा जेल बन गया है इस सुपर एब्जॉर्बेंट कॉटन के जो लेयर्स हैं इसके अंदर सारा का सारा जेल बन गया है, पीछे से भी कोई लीकेज नहीं है। हाइजीन कितनी ज्यादा जरूरी है ये हमें इस सैनिटरी नैपकिन से पता चलता है। हमारा ये जो सैनिटरी नैपकिन है ये बना हुआ है टोटल 5 layers का। इसके लेयर्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये सबसे ऊपर वाला जो लेयर है ये है परफोरेटेड टॉप शीट।
ये गीलेपन को नीचे के लेयर तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे कि पैड की सतह जो है वो पूरी सूखी रहती है। सेकेंड लेयर है हमारा एयरलेट पेपर, ये काम करता है लिक्विड को स्प्रेड करने का, और जो पैड में जो सॉफ्टनेस आती है वो इस लेयर से आती है। अगला लेयर है हमारा सैप, मतलब सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर, ये आपके लिक्विड को जेल में कन्वर्ट करता है ताकि कहीं पर भी लीकेज ना हो। अगला लेयर है हमारा पॉलीथिन बैकशीट, ये लिक्विड को लीक करने से बचाता है और हमें पूरा पूरा प्रोटेक्शन देता है ताकि हम हाइजेनिक रह सकें और सुरक्षित रह सकें। लास्ट जो हमारा लेयर है वो है रिलीज पेपर। ये रिलीज पेपर जो है ये मेनली यूज होता है स्टिकिंग के पर्पस के लिए, और उसके साथ ही आप इसे और एक चीज के लिए यूज कर सकते हैं जो कि है डिस्पोजिंग। तो ये था हमारा पैड जो कि 5 लेयर्स का था, और इसके 5वें लेयर का सबसे मेजर यूज है कि हम इसे डिस्पोजल के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह से रोल करके ये बन गया आपका डिस्पोजल बैग। तो सहेलियों, इस डेमो में ये साफ नजर आता है कि एडवर्टाइजमेंट देखकर महंगे विदेशी सैनिटरी नैपकिन खरीदना आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। अब फैसला आपको करना है, हल्के दर्जे के और महंगे विदेशी सैनिटरी नैपकिन या अच्छे क्वालिटी का स्वदेशी लेडी फ्रेश सैनिटरी नैपकिन। लेडी फ्रेश सैनिटरी नैपकिन अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, इन सभी वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल है। तो ये वीडियो आप अपनी सहेली, बीवी, माँ और अपने सारे फ्रेंड्स को ज़रूर दिखाइए। लाइक करें और इस वीडियो को अधिकतम शेयर करें। लेडी फ्रेश, विश्वास एक स्त्री का।